नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी अमित एजुकेशन में। हम एजुकेशन फील्ड की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो भी जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आज दोनों ही कमीशन से अपडेट आई हैं, दोनों की जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर हम जो भी अपडेट लेके आएँ उसकी नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहली अपडेट, जो सबसे बड़ी अपडेट है, वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है। जो ऑन रनिंग एडवर्टीजमेंट चली हुई है उसकी जो है डेट फिर से एक्सटेंड होगी है। पहले जो 30 जून को जो है इसके लास्ट डेट थी, उसके बाद बढ़ाकर 7 जुलाई को जो है कर दिया गया था, बट अभी 3 डेज का जो है और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनको फोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है और जो वेबसाइट है वो भी थोड़ी सी वीक चली हुई है, तो उसी रीज़न से 3 दिन का जो है टाइम अभी और जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है। हम इसमें बड़े पोस्ट कोड की बात करें तो जोआईटी की पोस्टें हैं, एसपी सेक्रेटरीट की पोस्टें हैं और ड्राइंग मास्टर कमीशन जो एजुकेशन फील्ड में है उसकी भी जो है इसी एडवर्टीजमेंट में अपडेट है। तो अभी तक जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से देखते हैं, लोक सेवा आयोग से देखते हैं। वहाँ से भी जो है एक रिजल्ट की अपडेट आई है। ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग जो ए की पोस्टें हैं उनसे संबंधित अपडेट है। ये असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जो सिविल हैं दोनों से संबंधित अपडेट है। इसमें जो भी उनके पर्सनैलिटी टेस्ट थे उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो दोनों में ही कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। दोनों का जो रिजल्ट है आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 7 कैंडिडेट सिलेक्टेड किए गए हैं और जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल है उसमें 6 कैंडिडेट जो है यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। तो ये अपडेट जो है आज पब्लिक सर्विस कमीशन से आई है। इनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से और भी काफ़ी पोस्ट कोड हैं जिनकी अपडेट्स आई हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। वेटिंग पैनल की अपडेट है, साथ में फाइनल रिजल्ट की अपडेट है और जो एडवर्टीजमेंट रीशेड्यूल हुई है उसकी अपडेट है जो आपको हमने पहले ही बता दी है। तो स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 831 की अपडेट आई है जिनका फाइनल रिजल्ट निकला है। इसके साथ साथ वेटिंग पैनल की अपडेट भी जो है यहाँ पर भी आई हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की अपडेट है, साथ में जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट का वेटिंग पैनल अपडेट है जिसका पोस्ट कोड 886 है, साथ में वेटिंग पैनल की अपडेट जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भी है जिसका पोस्ट कोड 773 है। इसके साथ साथ पोस्ट कोड 785 जो कि कंप्यूटर असिस्टेंट से है उसकी भी वेटिंग पैनल की अपडेट यहाँ पर है। तो रिकमेंडेशन है ये आई हैं वेटिंग पैनल की, आप इन सभी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहीं से जाकर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जो है आप इनकी जो PDF उनको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो कल की है जो कि 6 जुलाई 2022 की है। ये 4th क्लास के जो एम्प्लॉयड हैं उनके लिए जो है ये बड़ी अपडेट आई है। 20% कोटे के अंतर्गत जो क्लैरिकल की पोस्टें हैं उनमें जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 3 पोस्ट कोड दिए गए हैं, 1008, 1009 और 1010। डिटेल में जो है आपको पूरी जानकारी दी गई है, साथ में आपको फॉर्म फिलअप करने की डेट भी जो है इस एडवर्टीजमेंट में दी गई है। तो पूरा जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसमें डिटेल में आप पूरी जानकारी जो है ये ले सकते हैं। इसमें बहुत से जो डिपार्टमेंट है जिनको अलाउ नहीं किए गए हैं आप स्टार्टिंग की जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी जानकारी ले सकते हैं। साथ में आपको जो 3 पोस्ट कोड दिए गए हैं 1008 से लेकर 1010 तक, उसमें भी बीच बीच में जो मेंशन किया गया है कि किन डिपार्टमेंट के लिए जो है ये पोस्टें हैं। साथ में हम इनके चेन की बात करें तो चेन का जो प्रोसेस है वो भी जैसे दूसरे पोस्ट कोड निकलते हैं वैसे ही जो है इनका चेन का प्रोसेस है। इसमें भी इनका जो एग्ज़ाम टेस्ट लिया जाएगा, साथ में जो टाइपिंग टेस्ट है वो इनके होंगे। तो पूरी डिटेल में जानकारी आपको जो इसकी पूरी PDF है उसमें मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। और जो ये वीडियो देख रहा है, अगर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, 4th क्लास का एम्प्लॉयड है, उनके लिए जो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो उसमें उनके लिए भी एडवर्टीजमेंट निकली है, आप उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।